इतनी बेकार न्यूज मैंने आज तक नहीं देखी। तमना मैं पहले बता दी हूँ, और ये वीडियो तमें शेयर करो या ना करो यार मन नहीं बेरा। तमें खुद जागरूक होना चाहिए, क्योंकि तमने बेरा है दिल्ली में इलेक्शन आवन ला रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल लाइव आया था, उसकी मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके ऊपर मुद्दों पर चर्चा कर दूँ मैं। सक्षम युवा और आशा वर्कर करेंगी लोगों को जागरूक। चलो इसमें यहाँ क्या बोला गया कि स्वास्थ्य विभाग के पास अभी तक 35 सक्षम युवा हैं जो जिले में जाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद ने बताया कि हमें करीब 100 से अधिक ज़्यादा सक्षम युवाओं की जरूरत है, जिसको काम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को लिखा है कि उन्हें 100 और सक्षम युवाओं की जरूरत है। सभी युवा जिले के गाँव में जाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में जागरूक करेंगे। वहीं गाँव के आशा वर्कर भी लोगों को जागरूक करने में लगी हुई हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि भाई जो सामने ये लोग जागरूक करेंगे जा जाकर, भाई न्यू बताओ जिसका घर टीवी है, फ्रिज है और फोन है ना, वे आदमी जागरूक है, उन्हें बेरा कुकर बनाएगा। लेकिन जिसका घरी, या बात मैं नहीं बोलिया, या बात बोलिया अरविंद केजरीवाल। काल परसों टीम लाइव प्रोग्राम आ रहा था, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल बोलिया कि सी मतलब सेंटर ने एक नई योजना स्टार्ट की थी आयुष्मान भारत की। आयुष्मान योजना जिसके अंदर भाई इलाज किया जाता है 5 लाख तक का सालाना, ऐसे कुछ है। तो उसमें क्या बताया गया था कि जिसके गरीब फोन है, फ्रिज है, या फिर 2 व्हीकल है, ठीक है, या फिर ये 10,000 से ऊपर इनकम है, उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा ही नहीं। तो इसके अलावा बच कौन गया? तामी न्यू बता दो कि तारा गरी जो जो मेरी वीडियो देखने ला रहा है, जो आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता हो, उसका गरी फोन नहीं है कि उसका गरी फ्रिज नहीं है कि उसका गरी 2 व्हीलर भी कॉमन चीज़ होगी आज का। भाई आज का दिन 2 व्हीलर कॉमन चीज़ है, लगभग पाओगा यार। और छोटो यार, ये जो भोपे वो हैं, ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ना, ये मांगने खातर ये जो हर गाँव में एक गाँव में दूर गाँव में डेरा जमाया करे करें, अण का दौर है अभी, फोन और बुलेरो ले हंडन लाग रहे हैं ये भी, ठीक है। और सबसे पहले बता दूं, सीधी सिंपल बात बता दूं, आयुष्मान किस कार्ड किसका बनेगा? अगर जिसका गरीब फोन, फ्रिज और ये 10,000 तो ऊपर इनकम और के रह गया, ये सौदा है, ये सौदा बात झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को पावे, उनके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। यहाँ पर एक जो बात बताई गई है, कह गई यारी, ये देखो यहाँ पर बोला गया कि 9,900 कार्ड रद्द किए गए हैं आयुष्मान के, क्यों करो रद्द, वे अपना वरदान भर दिए। उनका गरीब टीवी था, फ्रिज था, फोन था और बाइक वुइक भी किमी होगा, 10,000 रुपये इनकम होगी, और भी घने फंडे ऐसे हैं जो कि मैंने बेरा कौन, ये अरविंद केजरीवाल ने बोले वाह मैं बताने ला रहा हूँ। तो भाई साहब फिर आयुष्मान कार्ड बनाने का मतलब क्या है? सक्षमान क्यों दुखी कर ला रहे हो? क्यों सस्ते मजदूरों के पीछे पड़ रहे हो? और सक्षम भी भाई साहब कसूते आदमी हैं, मतलब के बताऊँ यार, ठीक है बेचारा उनका वेत उनकी मजबूरी है कि भाई वो क्या करें, पढ़े लिखे आदमी ने यार ढंग तो एक परमानेंट जॉब दे दो, नू बिचड़ाओ ना, ये पढ़े लिखे हैं, ये तो हैं आगे का भविष्य, और ना इतना क्यों जलील कर रखे है। 3 महीना काम उस सर्वे में लगा दिया, 3 महीना वो काम उस सर्वे में लगा दिया, यो सर्वे भाई साहब कड़े भी काम आने का कौन ही, आज तक हमने ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा है, मेरे तो आज नहीं पता काम आया कौन है, ना अगर किसी जिंदगी में काम आवा है, इस तरह की पढ़ाई का क्या मतलब यार? क्यों जनता ने फद्दू बना ला करे हो? सीधा सिंपल बात है, सक्षम युवा और आशा वर्कर करेंगे लोगों को जागरूक, पुंधड़ करेंगे जागरूक। ये झुग्गी बस्ती हम जाओ बात यह है, उनना को मेरा उनके कार्ड बनाएंगे, ठीक है, फलाना दिगड़ा करने की कोई जरूरत को नहीं है, 1% भी सारा होदा फद्दू चला ला रहा है, 1% मतलब किम भी कौन यार, बस मैं किमी वो कह दूंगा भाई।